नया दिन और एक और नई शाम। तो आगे मैं आप सभी के सामने एक और न्यू ब्लॉग लेकर आज हम आए हैं कैफेटीरियाज़, जो कि है हमारे फरीदाबाद के सेक्टर 16 के अंदर। तो चलते हैं, यहाँ का फूड ट्राई करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप आए चैनल पर पहली बार या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि हम ऐसी वीडियोज लाते रहते हैं। तो चलते हैं अंदर और करते हैं यहाँ का फूड ट्राई, लेट्स गो। तो जी बात कर लेते हैं क्या क्या ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। वैसे तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन जो अवेलेबल थी, इनका जो बुकलेट थी मेन्यू की वो काफ़ी ज़्यादा मोटी थी। तो आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं सूप, उसके बाद सैलेड में भी काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको मिलने वाले हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर पनीर से रिलेटेड काफ़ी सारे आइटम्स दिख जाएंगे। और यहाँ पर अलग अलग तरीके के बर्गर भी थे, जैसे कि मिस्टर गुप्ता, उसके बाद सिंह साहब, तो काफ़ी सारे बर्गर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद एग से रिलेटेड भी काफ़ी सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे, चीज़ ऑमलेट भी है यहाँ पर, प्लेन ऑमलेट भी है। उसके बाद देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे अलग अलग वैरायटी के पिज़्ज़ास एंड पास्ता। फिर देखने को मिल जाएगा आपको यहाँ पर मेन कोर्स, जिसमें हमेशा की तरह दाल मखनी, पनीर से रिलेटेड सब्जी, नॉन वेजिटेरियन भी यहाँ पर अवेलेबल था। उसके बाद राइस, रोटी, नान, रायता। उसके बाद सबसे फेवरेट चीज़ भाई, मीठा तो ज़रूरी है, ब्राउनी विद आइसक्रीम, खीर, गुलाब जामुन, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर भी हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर हॉट एंड कोल्ड कॉफ़ी में भी काफ़ी सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको काफ़ी सारे टाइप्स की मॉकटेल्स दिख जाएंगी। और लास्ट में आपको यहाँ पे एक अलग अलग तरीके के शेक्स भी देखने को मिल जाएंगे। तो जी सबसे पहले जो हमने यहाँ पर ऑर्डर करा, हमने ऑर्डर करा स्पाइस स्मोक्ड चिकन टिक्का, जिसका टेस्ट बहुत ज़्यादा ऑसम था, दिखने में भी ये काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग थे, इनकी जो प्रेजेंटेशन थी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई मुझे। उसके बाद हमने ऑर्डर करा दही के कबाब, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, क्रंची क्रंची भी थे और अंदर इनकी फीलिंग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, और हरी चटनी के साथ तो इनका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा ऑसम लग रहा था।
उसके बाद हमने यहाँ पे ऑर्डर करा चाइनीज भेल, जिसके अंदर कुछ ड्राई फ्रूट्स भी थे। इनका टेस्ट भी ठीक ठाक था। उसके बाद इसी में आई थी कुछ मंचूरियन बॉल्स, जो कि काफी ज्यादा पसंद आई मुझे। और उसके बाद भाई गर्मी का सीजन है तो ठंडा तो बनता है, तो हमने ऑर्डर करा था किटकैट शेक। तो जाने से पहले मीठा खाए बिना तो हम जाते ही नहीं है, तो हमने चॉकलेट विद ब्राउनी यहाँ पर ऑर्डर करी, जो बहुत ज्यादा यम्मी थी। हाँ हाँ पेट भर गया भाई साहब, आज तो मजा आ गया यहाँ आकर। कैफेटेरिया ना वर्थ इट रहा, क्योंकि यहाँ पर जो भी हमने ऑर्डर करा ना, सभी का टेस्ट मुझे पसंद आया। बहुत ज़्यादा यहाँ पर मज़ा आने वाला है। इंटीरियर भी बहुत ज़्यादा अच्छा था और खाने का टेस्ट तो बहुत ज़्यादा ऑसम था। अगर आप कोई पार्टी प्लेस ढूंढ रहे हो तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है। यहाँ का खाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया और लास्ट में जो इन्होंने एक ब्राउनी विद आइसक्रीम भी दी थी, उसका टेस्ट ऑसम था। तो जी मुझे तो यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। बाकी आपको व्लॉग पसंद आया हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, और अगर ना अच्छा लगा हो तो भी कमेंट करके बता देना भाई क्या कमी थी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।